हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपनी पिक्स को कुछ इस तरीके से एडिट करना है तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी पिक्स को एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको पिक्सआर्ट को ओपन करना है। पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है पिक्स कैनवास में, और उसके बाद आपको अपने बैकग्राउंड का साइज़ सेलेक्ट कर लेना है 1024 और 1024। उसके बाद आपको सिंपली एरो पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको एडिट इमेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको ड्रा में जाना है। ड्रा में जाने के बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कटस पीएनजी को ऐड करना है। कटस पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सेटिंग कर लेना है, इस तरीके से आपको सेट कर लेना है अपने हिसाब से। आपको सिंपली एक न्यू लेयर ओपन करना है। न्यू लेयर ओपन करने के बाद आपको ऐड फोटो में जाना है और येलो कटस पीएनजी को ऐड कर लेना है। येलो कटस पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सेटिंग करना है इसकी, जिस तरीके से अपने हिसाब से सेट कर लेना है उसको। उसके बाद आपको सिंपली एक न्यू लेयर ओपन करना है और ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको अपनी फोटो को ऐड कर लेना है। अपनी फ़ोटो को ऐड करने के बाद आपको सिंपली इसको इस तरीके से सेट कर लेना है। अगर आपको अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो सिंपली आपको मैंने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर एक न्यू लेयर ओपन करना है। न्यू लेयर ओपन करने के बाद फिर आपको ऐड फोटो में जाना है और ब्लैक पैंट पीएनजी को ऐड कर लेना है। ब्लैक पैंट पीएनजी को ऐड करने के बाद हल्का सा क्रॉप करना है और कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद अपनी पिक्स पे क्लिक करना है। पिक्स पे क्लिक करने के बाद रेजर पे क्लिक करना है। रेजर पे साइज सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इरेज कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली थ्री डॉट पे जाना है और आपको इमर्ज पे क्लिक करना है। इमर्ज पे क्लिक करना है। इमर्ज पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है और अपनी पिक्स को सेव कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको कटस पीएनजी को ऐड करना है। टच पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको एक और मरतबा डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको नीचे आना है, एडजस्ट में जाना है और होए में जाना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से कलर्स चेंज करना है। उसके बाद आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको ब्रशेस पे क्लिक करना है। ब्रशेस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट पे डबल टैप करना है और यहाँ से अल्फ़ाबेट ऐड कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है।
और उसके बाद आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में आने के बाद एडजस्ट में आना है। उसके बाद आपको सेटोरेशन को बढ़ा लेना है थोड़ा सा। उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद एफएक्स में जाना है। एफएक्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको लेमो में जाना है। लेमो पे आपको डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद अमाउंट को कम कर लेना है, विक्टिम को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। उसके बाद आपको फेट को बढ़ा लेना है। फेट को बढ़ाने के बाद आपको कंट्रास्ट को बढ़ाना है। कंट्रास्ट को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है। उसके बाद यस पे क्लिक करना है और अपनी पिक्स को सेव कर लेना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जो आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय।